चंद्रपुर विधानसभा का चुनाव दिन ब दिन काफी रोचक होता जा रहा है। जहां महायुति गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में वर्तमान विधायक किशोर जोरगेवार है तथा महाविकास आघाड़ी की ओर से प्रवीण पडवेकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस विधानसभा में अनेक पार्टी के उम्मीदवार तथा अनेक निर्दलीय उम्मीदवार भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं और अनेक बागी उम्मीदवार खड़े हैं। जहाँ एक समय महायुति की ओर से भाजपा के बृजभूषण पाजारे ने उम्मीदवारी की मांग की थी और उन्हें उम्मीदवारी न दिए जाने पर वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और राजू झोड़े ने भी महाविकास आघाड़ी से उम्मीदवारी की मांग की थी और अब वे भी निर्दलीय बनकर चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर निर्दलीय उम्मीदवार राजू झोड़े ने क्या कहा स्वयं उनकी जुबानी। चंद्रपुर विधानसभा के सामान्य लोगों ने निश्चय किया कि विद्यमान आमदार को हराना, महायुति के उम्मीदवार को हराना, लेकिन महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार सक्षम नहीं है। इसलिए चंद्रपुर विधानसभा के जागरूक सुजान नागरिकों ने मुझसे फोन पे बात की, कार्यकर्ताओं ने फोन पे बात करके मुझे इलेक्शन में लड़ने का आग्रह किया। और निश्चित ये धन्ना सेठ जो उम्मीदवार है, जो कांग्रेस, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, शिंदे गट, तुतारी, ये सब दौरे करके भारतीय जनता पार्टी की टिकट लिया, इसे चंद्रपुर विधानसभा के लोगों ने नकारा है। महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार अच्छा नहीं रहने की वजह से मैं जनता के तरफ से ये धनशक्ति का पराभव करने के लिए तैयार हूँ। धनशक्ति का पराभव ये जनशक्ति निश्चित करेगी और हमारे टीवी चुनाव चिन्ह को विजय कराएगी, ये अपेक्षा करता हूँ। सीटीवी के लिए बरुआरकर की रिपोर्ट।